नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, चटपटी, खट्टी, मीठी है। इसे बच्चे, बूढ़े सभी बहुत पसंद करेंगे। ये तुरंत बनकर तैयार हो जाती है और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 10-12 स्ट्रॉबेरी लिए है, और नींबू का रस है, एक छोटे नींबू का रस है, राई और जीरा है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार एक लाल मिर्च लिए है, लगभग आधा कप चीनी ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने कस लिया है। हम सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को काट लेते हैं। स्ट्रॉबेरी को हमने धो लिया है और पोंछ लिया है। सबसे पहले हम इसका ये पार्ट काट देते हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इस प्रकार हम सारी स्ट्रॉबेरी को काट लेते हैं। हमने सारी स्ट्रॉबेरी को काट लिया है। ये विटामिन सी से भरपूर है। ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दिनों में ही मिलती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो हम इस चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है, गैस फ्लेम ऑन किया है, जो कि एकदम कम रखा है। हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें राई और जीरा डाल लेते हैं, और ये मिर्ची भी डाल लेते हैं जिसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। हम स्ट्रॉबेरी भी डाल लेंगे। गैस फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे। स्ट्रॉबेरी हल्का सा पानी छोड़ेगी तब हम इसमें सारे मसाले और चीनी डालेंगे। स्ट्रॉबेरी ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं, अदरक भी डाल देते हैं, और ये नींबू का रस भी डाल देते हैं। इसे चला लेंगे। अब हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची डाल देते हैं। इसके थोड़े थोड़े टुकड़े इसमें रहने देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर सिझाते हैं। चटनी को पकते हुए 1-1.5 मिनट हो गया है। ये देखिए, खुला करके 1 मिनट और पका लेते हैं, और ठंडी होकर ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इसमें जो स्ट्रॉबेरी के पीसेज हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये मुंह में आएंगे जब, इसे एकदम से पेस्ट नहीं बनाना है। चटनी को पकते हुए 2.5-3 मिनट हो गया है टोटल। अब ये बनकर तैयार है, ठंडी होके और गाढ़ी होगी। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। चटनी को हम पराठा, पूरी, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। इसे हम ठंडा करके एक कांच के जार में भरकर रख देंगे तो 8 से 10 दिन ये आराम से चलेगी। अगर फ्रिज में रखना है तो 10-15 दिन आराम से चलेगी। तो आप हमारी तरह से चटनी बनाइए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।